उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार को आज एक महीना हो गया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक कई ऐसे फैसले किए जो पहले की सरकारों से बिल्कुल अलग थे। बीजेपी की दलील है कि योगी सरकार के एक महीने के कामकाज का अच्छा असर है। योगी सरकार के समर्थकों का दावा है कि वो उत्तर प्रदेश बदल कर रख देंगे, यानी बीमारू राज्य की कैटेगरी में आने वाले उत्तर प्रदेश में अच्छी शासन व्यवस्था यानी राम राज्य की बात की जा रही है। योगी सरकार के एक महीने पर खबर का हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जी न्यूज के रिपोर्टर मौके पर हैं और खबर तकनीकी विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 19 मार्च से 19 अप्रैल सिर्फ एक महीना और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के लिए कई बड़े फैसले। बीजेपी का दावा है कि इस एक महीने में योगी सरकार के राजकाज से यूपी में रामराज के दिन आने तय हैं। कानून का स्थान शासक से भी ऊपर होता है। कोई भी राजा कानून के लिए ही कार्य कर सकता है, इसलिए कानून शासकों का भी शासक होता है। सम्मान हम सबको एहसास कराता है नई जिम्मेदारियों का और जो चुनौतियां हैं उन सब का योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किसानों की कर्ज की माफी और एंटी रोमियो स्क्वाड जैसे चुनावी वादों को पूरा किया तो 24 घंटे बिजली और गड्ढा मुक्त सड़कें देने का ऐलान कर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की मुहिम छेड़ने का दावा किया है। विभिन्न प्रकार के सारे विभागों का अलग अलग सर्वेक्षण, अलग अलग उनका एक पूरा विश्लेषण, सारा मंत्रिपरिषद सारे अधिकारी बैठकर एक एक विभाग के बारे में वर्तमान में क्या कर रहे हैं, भविष्य में क्या करेंगे, पहले क्या किया, इनका विश्लेषण हर विभाग का, बुंदेलखंड के संदर्भ में, पूर्वांचल के संदर्भ में अलग से नीति, हर क्षेत्र में 30 दिन में जो है बहुत ही जो ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। मुझे लगता है कि यही सिलसिला अगर चलता रहेगा तो पूरे प्रदेश में जो लोगों की अपेक्षाएँ थी, पूरे प्रदेश के लोगों की, बहुत ही मतलब उनकी इच्छाओं को हम लोग पूरा करेंगे। अब वो अपनी तरह से कोई पसंदीदा बोर्ड और कोई संस्था बना ली जाए और ये भी एक सवालिया निशान है। मेरे हिसाब से तो इस तरह की संस्थाओं को भी जो है अंकुश लगाया जाना चाहिए, इस तरह की संस्थाओं को भी बैन किया जाना चाहिए कि जो संस्थाएं सामाजिक तौर पर काम ना करके किसी एक का शोषण हो रहा हो और उस पर ये सारे अपना पक्ष रखें तो ये संविधान के कहीं ना कहीं खिलाफ ही है। संविधान के स्वरूप में तो नहीं आता, संविधान में तो नहीं आता, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनको कहीं ना कहीं अपना इल्म बढ़ाना चाहिए। नया वर्क कल्चर डेवलप हुआ है माननीय योगी जी की सरकार में। मिनिस्टर से लेकर सभी कर्मचारी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए 24 घंटा काम करने को तैयार है। लाइन आर्डर एकदम अपनी पटरी पर है और डेवलपमेंट के कार्यों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का काम माननीय योगी जी की सरकार ने किया है।